May I now please request the Deputy Chief Minister Shri Devendra Fadnavis to address the audience? May I give some bless to uh, the Madam Interpreter? आज के इस बहुत ही अच्छे कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित स्पीकर राहुल नार्वेकर जी प्रेसिडेंट आई सी सी आर डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे जी डिप्यूटी चीफ ऑफ मिशन गिन्ना जी जवाहरलाल नेहरू कल्चरल सेंटर की उषा जी यहाँ पर उपस्थित हमारे मिलिन कामड़े जी सुनील कामड़े जी अमित गोरखे जी महाराष्ट्र से पधारे हुए हमारे सभी साथी और उपस्थित हमारे सभी बहनों भाइयों मैं सबसे पहले आई का और हमारे मिशन का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज दूसरा मौका हमको मिल रहा है अन्ना भाव साठे जी को नमन करने का उनकी याद को स्थापित करने का जैसे सुबह राहुल जी ने भी बताया कि जो हमारी रशियन स्टेट लाइब्रेरी है वहाँ पर उनकी प्रतिमा का अनावरण हमने किया और अब उनके तैलचित्र का अनावरण हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर सहयोग इस कार्यक्रम में मुझे दिखाई पड़ता है ऐसा कहते हैं कि जब अण्णा भा साठे मुंबई के चिराग नगर के स्लम बस्ती में रहने को आए तो छोटे से झोपड़े में रहते थे और उनके घर का दरवाजा बड़ा छोटा था तो किसी ने उनको कहा कि दरवाजा थोड़ा ऊंचा क्यों नहीं कर देते बहुत छोटा दरवाजा है तो उन्होंने मजाक में कहा कि इसलिए छोटा रखा है कि जवाहरलाल नेहरू जी जब मेरे घर आएंगे तो उनको भी झुक कर आना पड़ेगा और सहयोग देखिए कि जवाहरलाल नेहरू सेंटर में यह सेंटर स्वयं आज अण्णा भाव साठे जी को उनका स्वागत कर रहा है और उनको उनकी प्रतिमा को स्थापित कर रहा है बो साठे जी की जीवनी ये अपने आप में बहुत अचंभित करने वाली है और एक उनके बचपन का प्रसंग है कि जिसमें उस समय के क्रांतिकारी क्रांति सिंह नाना पाटिल उनके गांव में भाषण देने के लिए गए अंग्रेजों की पुलिस ने उन पर हमला किया और सारी भीड़ तितर बितर हुई वो अरेस्ट करना चाहते थे क्रांति सिंह नाना पाटिल वहां से भागे वो अरेस्ट नहीं होना चाहते थे और कुछ समय बाद उनके ध्यान में आया कि एक बच्चा उनके पीछे दौड़ रहा है और कुछ अंतर जाने के बाद उन्होंने उस बच्चे को रोककर पूछा कि तुम मेरे पीछे क्यों दौड़ रहा है उस बच्चे ने कहा मैं आपके पीछे नहीं दौड़ रहा हूं मैं आपको राह दिखा रहा हूं कि कहा आपने छुपना चाहिए वो बच्चा था लोकशाही अन्ना भाव और कई बार हम लोग ये कहते हैं कि व्यक्ति जो होता है ये जन्म से कोई बड़ा नहीं होता वो अपने कर्मों से बड़ा होता है और अन्ना भाव साठे जी ने ये हमें दिखाया कि व्यक्ति अपने कर्मों से बड़ा हो सकता है क्योंकि जिस प्रकार की प्रताड़ना को उन्होंने अपने जीवन में सहन किया भोगा उस प्रताड़ना के बावजूद भी दुनिया को राह दिखाने का काम उन्होंने किया और शिक्षा पाने का मौका नहीं मिला लेकिन आज कई स्कॉलर्स उनके लेखनी के भरोसे या उनकी लेखनी पर रिसर्च करके डॉक्टरेट पा रहे हैं ये मैं ऐसा मानता हूँ कि उनके कार्य का महात्म्य है और जो हमारे देश में वंचित है पीड़ित है ऐसे हर व्यक्ति की आवाज़ के रूप में अण्णा भाव साठे जी को हमने देखा और इसीलिए मैं ऐसा कहता हूँ कि जहाँ अन्याय है उस अन्याय के खिलाफ आवाज़ के रूप में अण्णा बहु साठे है उनकी लेखनी जो है वो उस अन्याय को अभिव्यक्त करती थी लेकिन केवल अभिव्यक्त नहीं करती थी केवल दुख सामने लाने वाली लेखनी नहीं थी उसके खिलाफ लड़ने का हौसला देने वाली भी लेखनी ये उनकी थी और इसीलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि उस समय के लाखों लोगों के जीवन में एक प्रकार से उन्होंने अपनी कलम से बदलाव लाया और उनमें ले और जीतने की का एक हौसला उनके कलम के कारण पैदा होता हमने देखा और विशेष रूप से रशिया के साथ उनका जो नाता है जो उन्होंने स्टैलिन का पोवाड़ा लिखा क्योंकि वे हमेशा मजदूरों की बात करते थे स्वयं मजदूरों में रहे थे मिल वर्करों का या फिर छोटे छोटे काम करने वालों का दर्द उन्होंने सहा था भोगा था और इसलिए वे हमेशा ये मानते थे कि जिस प्रकार से मज़दूरों की क्रांति उस समय रशिया में बहुत दुनिया में प्रसिद्ध हुई थी उसी प्रकार की क्रांति मुझे करनी है और उनका जो स्टालिनग्राद का पुवाड़ा था वो रशिया में भी बहुत प्रसिद्ध हुआ और उसके बाद उनका एक कनेक्ट रशिया के साथ हमको दिखाई पड़ता है रशिया वो आए उनको बुलाया गया और रशिया में आने के बाद उन्होंने जो प्रवास का वर्णन लिखा है वो भी मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत यथार्थ इस प्रकार का वर्णन ये केवल इट्स नॉट अ मियर ट्रैवलॉग ट्रैवलॉग तो बहुत लोग लिखते हैं और ट्रेबलॉग एक परिस्थिति का वर्णन होता है लेकिन उसके आगे जाकर उसमें से कुछ संदेशा मिलना ये भी एक बहुत महत्व की बात होती है वैसा संदेशा उसके माध्यम से हमको मिलता है और शायद वो एक रशिया और भारत के बीच एक कनेक्टर के रूप में भी वे काम करते हैं इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि जब भारत की स्वतंत्रता को 75 साल पूरे होते हैं और इंडो रशिया डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को भी 75 साल पूरे हुए हैं ऐसे बहुत ही अच्छे मौके पर जहां एक ओर उनकी प्रतिमा का अनावरण हो रहा है वहीं दूसरी ओर मैं आईसीसीआर का भारत सरकार का हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का हमारे अध्यक्ष डॉक्टर विनय शस्त्रबुद्धे जी का बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उनके इस तैल चित्र का अनावरण भी आज हो रहा है और ये मौका आपने हमको दिया इसके लिए आपने हमको निमंत्रित किया इसलिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए आप सभी को आज की शाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं जय हिंद जय जै महाराष्ट्र भारत माता की जय